नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सब कुछ कर रहे हैं, चाहे संगठन के विस्तार पर फोकस करना हो, आम से खास लोगों के बीच मुलाकात करना हो, उनकी बातें सुननी और समझनी हो, चाहे नीतीश सरकार पर हमला बोलना हो, सत्ता पक्ष पर हमला बोलना हो, वो भी बिना ब्रेक के तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों के नए नए इलाकों में जाकर वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल भी रहे हैं, उनकी बातों को भी सुन रहे हैं। यानी कि चुनाव के पहले जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, लेकिन अपने सियासी दलों से मिल नहीं रहे, अपने सियासी दलों से दूरी बनाए हुए हैं, अपने सियासी दलों की बात नहीं सुन रहे हैं, अपने सियासी दलों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ जब भी बात सीट शेयरिंग पर हो तब तेजस्वी चुप हो जाते हैं। आखिर तेजस्वी की खामोशी क्या कहती है? महागठबंधन में सीट बंटवारे के मुद्दे पर आपस में बात मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव के पास फुर्सत नहीं है। बिहार की राजनीति में हाल ही के दिनों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। राजद की बेरुखी से घटक दल हैरान और परेशान है, यहाँ तक कि बेचैन भी है। जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आते जा रहा है वैसे वैसे उनकी उलझनें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तवज्जो ही नहीं दे रहे। आरजेडी की बेरुखी से सबसे ज्यादा आघात हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को लगा है। हम प्रमुख जीतन रामांझी अब निर्णायक दौर से गुजर रहे हैं। 22 अगस्त से पहले वो कभी भी महागठबंधन में रहने या फिर ना रहने को लेकर आखिरी फैसला ले सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल बिहार दौरे पर आए थे। उन्हें पटना में 3 दिन रहकर आरजेडी के साथ सीट बंटवारे का मसला सुलझाना था, किंतु अपने ही दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलकर गोहिल वापस लौट गए। अन्य किसी दल के नेताओं से उनकी मुलाकात तक नहीं हो सकी। महागठबंधन में इस बार वामपंथी दलों को भी शामिल होने की बात चल रही है। ये पहल खुद आरजेडी की ओर से की जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक उसे भी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका है। आरएलएसपी और विकासशील इंसान पार्टी से भी बात किसी भी स्तर पर शुरू नहीं हो सकी। चुनाव का समय नजदीक आ गया और ऐसे में इग्नोर करने से महागठबंधन के घटक दलों में बेचैनी साफ तौर पर दिख रही है। मांझी की बेचैनी छलकती भी रही है, लेकिन अन्य दल के नेता अंदर ही अंदर बेचैन है। आरजेडी के माय समीकरण ने उन्हें विवश करके रखा है। सोनिया गांधी की पहल पर करीब 2 महीने पहले 24 जून को एक मीटिंग भी हुई। दोस्ती के दुश्मन के खतरे को देखते हुए सोनिया ने अहमद पटेल को मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत भी किया, जिन्होंने सभी घटक दलों के प्रमुखों के साथ बैठक करके एक मंच पर लाने की कोशिश भी की। तेजस्वी यादव ने उस बैठक से भी दूरी बना ली और आरजेडी के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने शिरकत की। हालांकि बैठक का हश्र भी वही हुआ जो लोकसभा चुनाव में शिकस्त करने के बाद तमाम बैठकों में होता आया है। ना तो किसी दल की शिकायत दूर हुई और ना ही एकजुटता का आधार ही तैयार हो सका। अब सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव चाहते क्या है? तेजस्वी यादव जिस तरह से अपने सियासी दलों को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे में ये भी सवाल है कि कहीं महागठबंधन का हश्र लोकसभा में जिस तरह से करारी हार हुई वैसा ना हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार घटक दल तेजस्वी यादव से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपने जगह पर अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी और को खड़ा कर देते हैं और इन सब से छुपते छुपाते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।